तो दोस्तों घर जाने की तैयारी हो चुकी है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे डेट्स लेने के लिए। तो इनके खेती में ही होता है डेट्स, तो इनके रूम से अभी लेंगे। जो खजूर होता है ना वो हम कहाँ रखे हैं पैकेट में। हाँ इट्स वेरी गुड। यू ओपन ओपन नो नो प्रॉब्लम गिव मी लाइक दिस। अनदर वन इज देयर नो इट्स दिस। हाँ व्हाट इज दैट कुलु All for me. Yeah. Ah, this like this sim. And this sim like this. One. Two like this. Feed this. Bronchial. And one must be this. Feed bites. Okay. Ten packets, huh? Yeah. Shukranu, Mr. Mehdi. Shukranu. अभी चलते हैं ऑफिस में. हाँ, okay. तो अभी ये मेरे को ड्रॉप कर देंगे ऑफिस में, चलते हैं अभी, नहीं तो मेरे को शाम को आना पड़ता यहाँ पे। यू बोला यहाँ से फॉर योर रूम बेडरूम रूम हाँ इफ वी गो टू रूम यू गो टू रूम अदरवाइज वेरू आल्सो नो प्रॉब्लम वेरू ड्रॉप मी टू बेरू यस नो And this dates from your house, home? Yeah, any, my home. You have Google dates? Yes. Why dates from the lily? Okay, yeah. फिर जाएंगे फिर शाम को देखते हैं और कुछ hey. ज़्यादा कुछ लगे थे नहीं वैसे मिलते हैं दोस्त थोड़ी देर बाद और क्या क्या कुछ सामान मेरा मिलता है पैकिंग के लिए। दोस्तों अभी रात हो चुकी है और ये मेरे पास कुछ चॉकलेट्स लेके आए हैं अपनी तरफ से गिफ्ट दिए थे, तो ये अभी पैक करना बाकी है और पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। रात के अभी 9 बज चुके हैं और ये अभी कुछ भी नहीं पैकिंग किया है और ज़्यादा लगेज भी है नहीं, 15 किलो का लगेज होगा वही है। तो अभी पैकिंग करते हैं फिर सुबह 4 बजे भी यहाँ से निकलना है। और ये अभी जूता वगैरह धो के रखा है, अभी सूखा भी नहीं है, थोड़ा सूख गया है अभी एसी में सूख गया, अपना हीटर लगा हुआ है सूख जाएगा है। फिर अभी ये सब है और कुछ नहीं है, और ये डेट्स जो आपको बताया था पहले वो है। फिर मिलते हैं पैकिंग करने के बाद। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह का अभी 3:30 हो चुका है और मेरा 2 लगेज जो एक हैंड बैग रहेगा और एक बैग है मैं पैकिंग कर लिया है अभी और जाता हूँ अपने थोड़ा रूम पार्टनर जो हैं उनसे मिलने के लिए, उनको अभी फ़ोन कर दिया था कि वो लोग भी जगे होंगे जग के आ रहे हैं। वो लोग क्या है ना क्वारंटाइन है अभी, उन लोग को क्वारंटाइन करके रखा है। तो अभी 3:30 बजे वो लोग को फ़ोन करके उठाया है, देखिए कैंप में कोई दिखता नहीं होगा इस टाइम पे, तो उनसे मिल के फिर अभी आधे घंटे में बस आएगी। तभी जाना पड़ेगा यहाँ पे हाशिम मसूद जो हमारा एयरपोर्ट है, उसके बाद जाएंगे अलजीट्स। चलते हैं इनसे मिल के फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई मिल लिए अभी दोस्तों से और ये हमारा पासपोर्ट वीज़ा बाकी एयर सुविधा और PCR रिपोर्ट और एक लोकल टिकट है वो सब यहाँ पे रख लिया। पासपोर्ट और वीज़ा तो अपने पास ही रखना पड़ेगा, तो इसको अभी हैंड बैग में ऊपर ही डाल देते हैं। तो बाकी एक जो सामान है जो हमारा ऑफिस है उधर देने का है और ये जो पेपर है वो उधर से आते टाइम पे काम आता है। इसमें चार्जर वगैरह भी रख लिया है, हालांकि अभी एयरपोर्ट पे ज़रूरत नहीं पड़ता है फिर भी रख लिया, एक बार चेक करके फाइनल इसको बंद कर देते हैं। और बाकी दोस्त मैं भी तैयार हो गया हूँ, 4 बजे गाड़ी आएगा, 10 मिनट और है, तो अभी निकलते हैं जूता वगैरह पहन के, ऐसा वैसा ही पड़ा हुआ है। और अभी क्या है ना एक छोटा फ़ोन है मेरे पास तो उसको लेके जाना नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना जो इधर का जो सिम कार्ड है वो मैं इसी फ़ोन में चेंज करूँगा क्योंकि इसमें इंडिया का सिम लगा हुआ है, तो ये जो सिम कार्ड है मैं निकाल के फ़ोन यहीं पे छोड़ देना है, एक ही सिंगल फ़ोन लेके जाऊँगा। तो अभी ये वाला सिम अपना इसमें डालेंगे और बाद में इंडिया दिल्ली जाने के बाद चेंज कर देंगे, या फिर कतर होके जाएंगे ना तो कतर में चेंज कर देंगे सिम कार्ड। तभी मैं इसको निकाल के अभी इसमें करता हूँ, टाइम भी नहीं है, टाइम जा रहा है फटाफट। चलो तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ तैयार और जो ज़रूरी काम है सबसे ये है मास्क ले लिया मैंने अभी। भाई
लगेज उठाते हैं, बोरिया बिस्तर अपना बांधते हैं, बिस्तर तो नहीं है यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, अभी इसको पैक करना पड़ेगा यार, इसको बंद भी नहीं किया। चलो इसको भी ले लिया, और ये जो अपना खिड़की है इसको बंद कर देते हैं, अभी निकलते हैं बाहर, लाइट्स ऑफ। लगेज ज्यादा है नहीं इस बार। ओके, भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पे आशीर्वाद ले लेते हैं। 4 बजे अभी खुलेगा, 10-15 मिनट में यहाँ पे आते हैं जो पूजा वगैरह करते हैं, और यहीं पे कैंप ऑफिस के पास गाड़ी आएगा और 5 मिनट में आएगा ही। पहले जाके चला जाता हूँ, कॉफ़ी वगैरह पिएगा, नहीं गाड़ी रेडी है, बस बस दिख रहा होगा, बस अभी रेडी हो चुका है, बस निकलते हैं अभी। वो सामान रख दिया मैंने ना इस पे, अपना हैंडबैग, और मैं पीछे बैठ जाऊँगा इधर, तो फिर आगे बैठूँगा, बस रेडी है, अभी भी कोई आया नहीं है, 6 लोग आए आज जाने वाले, बस सब कुछ रेडी है भाई, सामान वगैरह रख दिया, अभी सब लोग आ जाते हैं तो निकलेंगे, 10-15 मिनट लेट ही चलता है वैसे। हाँ क्या हो गया, ठीक है, पहुँचा आयल बड़ा के होके ना, कहाँ के वाल, बस अभी देख लीजिए इस टाइप का ऐसा बस है, अभी भी सबसे पहले मैं ही आ गया हूँ जाने का, जल्दी मेरे को ये। निकल चुके हैं कैंप से हम लोग, फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, मेरे भाई साहब का लगेज है, चलो चलो जाए, मैं इसको ऐसे ही लेके जाता हूँ। जल्दी जल्दी चलो, टाइम नहीं है।